डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। पिछली क्लासों में हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन और वर्क फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसको हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, मान लो ये कोई मेटल सरफेस है, इसके ऊपर जब कोई सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की होती है तो ही इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम पढ़ेंगे बाद में व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अभी केवल लिखें सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जब लाइट आती है तो इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रॉन्स एमिशन, मतलब किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को हम किस किस मेथड से निकाल सकते हैं, एमिट कर सकते हैं। तो एक मेथड तो ये है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमने पढ़ा है कि जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक मेथड है। इसके अलावा और कौन कौन से मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन के हम यहाँ पर फोर मेथड डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है थर्मोआयोनिक एमिशन, सेकंड है फील्ड एमिशन या एमिशन, थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये वाला, एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी एमिशन। तो हम ऐसे चार टाइप से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर सकते हैं किसी भी मेटल सरफेस में से। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, कोई भी जो मेटल होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, वो एटम से मिलकर बना होता है और उस एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं अलग अलग ऑर्बिट में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होते हैं। ओके, तो इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इनमें अट्रैक्शन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट में जाते हैं तो ये जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ये कम होता जाता है। तो जो मेटल होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है वो ना के बराबर होता है, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे ही इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगी या इनके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन से मेथड हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड है थर्मोआयनिक इमिशन। तो थर्मोआयनिक इमिशन में क्या होता है, जब भी हम किसी मेटल को हीट करते हैं या उसका हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उस मेटल, देखो सपोज दैट ये है अपने पास मेटल है कोई भी, तो उसको जैसे ही हम हीट देंगे या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो थर्मल एनर्जी को अचीव करेंगे और थर्मल एनर्जी लेकर के वो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। तो ये जो मेथड होता है दैट इज थर्मोआयनिक इमिशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी मेटल को गर्म करके या उसका टेम्परेचर बढ़ा करके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने का जो प्रोसेस होता है या जो मेथड होता है दैट इज थर्मोआयनिक इमिशन। क्लियर है? ओके, सेकंड हम बात करते हैं फील्ड एमिशन। तो फील्ड एमिशन क्या होता है, देखो मान लो ये अपना कोई भी एक मेटल है, उसके ऊपर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, होगा क्या, इस मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। बिकॉज हमने पढ़ा है जब भी किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना ही जो फोर्स है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो जब भी हम किसी मेटल को
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस मैटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस मेथड को हम बोलेंगे फील्ड एमिशन। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके किसी भी मेटल पर उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज फील्ड एमिशन। क्लियर है? आपने देखा होगा जो स्पार्क प्लग होता है गाड़ियों के अंदर उसमें भी फील्ड एमिशन होता है। तो क्योंकि जैसे ही हम किक मारते हैं तो किक मारने से बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर जनरेट हो जाता है जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं तो आपको स्पार्क दिखाई देता है वहां पर। तो वो जो स्पार्क होता है, इलेक्ट्रॉन जब कैथोड या एनोड जो भी दो इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें से जब इलेक्ट्रॉन निकल कर जाता है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे पर, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है बिकॉज उस पर फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। तो उस फोर्स के, उस इलेक्ट्रॉन के बीच रास्ते में जो भी कुछ आता है वो उसको बर्न कर देता है, जला देता है। और उसके बीच में एयर आती है तो एयर जब जलती है तो अपने को वो स्पार्क दिखाई देता है स्पार्क प्लग के अंदर। ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अपने को दिखाई देते ही नहीं है तो वो स्पार्क जो होता है वो एयर के जलने से बनता है। क्लियर है? ओके, तो दैट इज फील्ड एमिशन। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अभी हमने डिस्कस किया था कि जब भी किसी मेटल सरफेस पर, ये मेटल सरफेस है, इस सरफेस पर जब भी कोई सूटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट आती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नेक्स्ट है अपना सेकेंडरी एमिशन। तो सेकेंडरी एमिशन क्या होता है उसको समझते हैं। सेकेंडरी एमिशन, तो देखो सेकेंडरी एमिशन क्या होता है। मान लो ये कोई मेटल है, मेटल सरफेस है, इस मेटल के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? तो जब भी किसी मेटल सरफेस पर हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट होता है, क्लियर है, एक एक इलेक्ट्रॉन आया इसके ऊपर, इसमें पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन है और इस पर ये इलेक्ट्रॉन आया जिसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो हाई एनर्जी का जब इलेक्ट्रॉन इससे स्ट्राइक करेगा तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी जो एनर्जी है इस वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप का जो एमिशन होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन आया था एनर्जी लेकर के इसको तो हम बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, और ये अपनी एनर्जी इनको देता है जिससे ये बाहर निकलते हैं तो इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और ये जो मेथड होता है इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने का दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन। क्लियर है? तो ये अपने चार मेथड थे किसी भी मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए। फर्स्ट मेथड था अपना थर्मोआयनिक एमिशन जिसमें हम हीट या टेम्परेचर दे करके किसी भी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालते थे। सेकेंड था फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन में हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में जब सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट आती है किसी भी मेटल पर तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, जब भी हाई एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस से टकराता है तो वो अपनी एनर्जी उन इलेक्ट्रॉनों को दे देता है मेटल के जिससे वो बाहर निकल जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। तो ये था अपना इलेक्ट्रॉन एमिशन। थैंक यू।